स्प्रे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। कटिहार पुलिस ने धनराज यादव के हथियारों को महज 72 घंटे के अंदर धर दबोचा। हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, कटिहार जिला पुलिस कप्तान विकास कुमार के नजरों से बच नहीं सकता है। धनराज यादव के हथियारों को किया गिरफ्तार। सहायक थाना के अंतर्गत मोहल्ला हवाई अड्डा स्थित धनराज यादव को गोली मारकर नृशंस हत्या करने के आरोप में मृतक की पत्नी प्रमिला देवी के फर्द बयान के आधार पर एक मासूम सिंह, पिता अरुण सिंह शाकिन मुरोद थाना रतवार जिला मधेपुरा, दो सचिन कुमार, पिता चंद्रशेखर सिंह साकिन कटोरिया थाना कुरशेला जिला कटिहार और अन्य नामजद 6 के विरुद्ध नगर थाना में 17/11/2021 को मामला आया। घटना में शामिल अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु पुलिस ने अधीक्षक कटिहार के द्वारा दो अलग अलग टीम गठित कर ओम प्रकाश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में छापेमारी का निर्देश दिया गया। छापेमारी के क्रम में गठित टीम द्वारा कांड में प्राथमिक नामजद अभियुक्त सहस मुख्य शूटर मासूम कुमार, पिता अरुण कुमार सिंह कटरिया, सचिन कुमार सिंह, पिता चंद्रशेखर सिंह सातीन कटरिया, दोनों थाना कुरसेला जिला कटिहार को हथियार और गिली के जखीरा के साथ दो अन्य अपराध कर्मी श्रावण कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह दोनों पिता नकुल सिंह और कटरिया थाना कुरसेला जिला कटिहार को गिरफ्तार किया गया। साथ ही दूसरी टीम के द्वारा प्राथमिक नामजद अभियुक्त संतोष यादव, पिता रामजी यादव, शाकिन न्याटोला शरीफगंज थाना सहायक जिला कटिहार को गिरफ्तार किया गया। कांड के अनुसंधान के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि घटना के मुख्य सूत्रधार नगर थाना कांड में अभियुक्त जेल में बंद कुख्यात अपराध कर्मी लालेश्वर साहनी उर्फ लालू साहनी, पिता योगी साहनी, शाकिन हवाई अड्डा शमशान घाट थाना सहायक जिला कटिहार है। लालू सहनी ने पूर्व में भी मृतक धनराज यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी जानकारी कटिहार SP विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। लाइव टीवी समाचार के लिए कटिहार से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो शरीफगंज के धनराज यादव की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के अनुसंधान के क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा दो शूटर को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि इस हत्याकांड के पीछे वर्तमान में जेल में बंद लालेश्वर साहनी और लालो साहनी का हाथ है। इस कांड में दो शूटर मासूम कुमार और सचिन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उनके निशानदेही पर दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए इन सभी के पास से एक 315 का राइफल, एक 12 बोर का राइफल, एक 12 बोर का मास्केट और एक 315 का देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही 13 राउंड 12 बोर का जिंदा कारतूस, 315 बोर का 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल भी बरामद किया गया है। धनराज हत्याकांड में शामिल अभी तक कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और इस कांड में जो भी शामिल थे उनकी निशानदेही, उनकी पहचान भी हो गई है और घटना का कारण भी अब अनुसंधान में बहुत हद तक स्पष्ट है। CCTV फुटेज के TV और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान से भी दोनों शूटर की इस घटना में शामिल रहने की पुष्टि हुई है। दो शूटर हत्या का कारण कुछ पूर्व का विवाद था जो अनुसंधान अंतर्गत है, जो बिंदु कुछ बिंदु है जो अनुसंधान अंतर्गत है। देखिए, पूर्णतः इससे नहीं जोड़ा जा सकता है। 2-3 बिंदु स्पष्ट हुए हैं जो सभी अनुसंधान है। घटना का मास्टरमाइंड बालेश्वर सहनी और लालो सहनी है जो वर्तमान में जेल में। अभी इन दोनों प्रकरण चूंकि आर्म्स एक्ट से रिलेटेड भी गिरफ्तारियां हुई हैं तो पूरे प्रकरण में कुल 5 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें धनराज यादव के हत्याकांड में शामिल 3 अपराधी और आर्म्स एक्ट में भी 2 अपराधी, कुल 5 गिरफ्तारी। हाँ, हत्याकांड में अन्य अभियुक्त हैं जिनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।